नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोविड 19 महामारी को देखते हुए भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों का आना जाना जारी है, जिसे संज्ञान में लेते हुए नगर पंचायत के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश मिश्रा व अधिशासी अधिकारी अंजलि वर्मा के नेतृत्व में निगरानी समिति का गठन किया गया, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी, सभासद, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा पड़ोस के 2 महिला व पुरुष सदस्यों को समिति में सम्मिलित किया गया है, जो नगर पंचायत अतरौलिया के 11 वार्डों में निगरानी करेंगे। जिनको लक्षण नहीं है उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा और उनके घर के सामने एक फ्लायर चस्पा किया जाएगा, जिसमें सभी तारीख अंकित होगी। यदि किसी सदस्य में कोई लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो तत्काल निगरानी समिति के द्वारा उपजिलाधिकारी या अधिशासी अधिकारी को सूचना दी जाएगी। उन्हें फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर महिला चिकित्सालय अतरौलिया में भर्ती किया जाएगा। नगरी क्षेत्र अतरौलिया में आज जो प्रवासी बड़ी संख्या में क्षेत्र में आ रहे हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसमें हमारे यहाँ पर अधिशासी अधिकारी के देखरेख में यह समिति कार्य करेगी, जिसमें आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, सभासद हैं और हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, ANM हैं तथा पड़ोस के 2 महिला व पुरुष सदस्यों को शामिल किया गया है। NGO के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है, लेखपाल शामिल हैं। यह निगरानी समिति जो भी प्रवासी यहाँ पर आएगा, अपने घरों को जाएगा, एक फ्लायर बना हुआ है, आशा उसके घर पर फ्लायर चस्पा करेंगी, जिसमें अपने घर आने की तिथि अंकित होगी। वह तिथि ही होम क्वारंटाइन प्रारंभ होने की तिथि होगी और 21 दिन बाद की तिथि अंकित होगी जब होम क्वारंटाइन समाप्त होगा। हर 3 दिन में आशा अथवा आंगनवाड़ी उस घर में संबंधित व्यक्ति का व उसके परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी और यदि किसी भी सदस्य में कोई लक्षण सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या कोई भी संदेहजनक स्थिति पाई जाती है तो तत्काल मुझे निगरानी समिति के द्वारा सूचना दी जाएगी और उन्हें हम यहाँ पर फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर, हमारा महिला चिकित्सालय 100 शैया अस्पताल अतरौलिया बना हुआ है, उनको वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। उनके लिए क्या नहीं, उनके लिए पूर्णतया नियम बनाए गए हैं, फ्लायर में अंकित किया गया है और उनको समझा करके उन नियमों के पालन करने के लिए आशा, आंगनवाड़ी व हमारी अधिशासी अधिकारी तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व स्वयं मेरे द्वारा निरंतर क्षेत्र में भ्रमण करके उनको समझा करके और क्वारंटाइन से संबंधित नियमों के पालन करने के लिए ये जैसे बाहर से जो भी प्रवासी लोग आ रहे हैं उनकी निगरानी करने के लिए एक समिति बनाई गई है, मोहल्ला निगरानी समिति। जैसे मेरे यहाँ नगर पंचायत अतरौलिया में 11 वार्ड हैं तो हर वार्ड में ये कमेटी बनेगी, जिसमें वार्ड मेंबर अध्यक्ष होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और लेखपाल और कुछ स्वयंसेवी संगठन नगर पंचायत अतरौलिया में जो संकल्प चलता है उसके लोग, तो ये सब मिल के निगरानी करेंगे उसके कि जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन किया गया है वो बाहर तो नहीं निकल रहे हैं या उसके परिवार के लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी सूचना मिलती है तो निगरानी समिति मुझे बताएगी और मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और आदरणीय SDM सर को बताऊंगी कि नियमों का उल्लंघन ना होने पाए, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि अगर एक व्यक्ति भी अगर बाहर निकल गया और वो कोरोना पॉजिटिव है तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसीलिए इस निगरानी समिति का गठन किया गया है कि वो इन सब पे नज़र रखें। मैं ये निगरानी समिति के चस्पा किया जा रहा है, इसके मैं बताइए उसमें क्या क्या अंकित होगा, कैसे कैसे होगा? ये एक फ्लायर है जो उस व्यक्ति के घर पे अंकित किया जाएगा जो प्रवासी है, जिसको होम क्वारंटाइन किया गया है। उसमें उस तिथि का भी अंकन होगा जिस दिन से उसको होम क्वारंटाइन किया गया है और उसके बाद उसको 14 दिन के बाद जब वो उसका होम क्वारंटाइन अवधि पूरी हो जाएगी तो उसको हटा लिया जाएगा उस निगरानी समिति के द्वारा। और उस प्रत्येक 3 दिन पे आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जाएंगी, उनका हाल चाल लेंगी कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या होगी तो उनको जो है फैसिलिटी क्वारंटाइन किया जाएगा, अगर कोई परेशानी नहीं है तो वो होम क्वारंटाइन में।